नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मेरा नाम हुरवृषि सिंह। राजधानी का मौसम लगातार अपना रंग बदल रहा है। शनिवार को सुबह के तापमान में जहां अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं बात करें कोहरे की तो कोहरे का असर भी अब खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कई दिनों से मध्यम श्रेणी में चल रही दिल्ली की हवा अब खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। शनिवार सुबह ठंड बहुत ही ज्यादा महसूस की गई। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान जहाँ 6.8 डिग्री दर्ज हुआ था, वहीं शनिवार को ये सामान्य से 5 डिग्री कम यानी कि 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो यह सामान्य स्तर पर 23.6 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। हवा की नमी का स्तर भी 97 से 44% रहा है। वही बता दें कि बंगेशपुर सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया, जहां का अधिकतम तापमान आपको बता दें ये 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अंदाजों के मुताबिक आपको जानकारी दें तो दिल्ली में अगले कुछ दिन तक सुबह के समय और शाम के समय ठंड बनी रह सकती है, जबकि दिन में निकलने वाले धूप के चलते लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो लगातार इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। रविवार को अधिकतम तापमान यानी कि आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंच सकता है, वहीं अगले 3 से 4 दिनों में 26 डिग्री तक ही चले जाने की इसकी आशंका है। वहीं न्यूनतम तापमान भी अगले सप्ताह 9 से 10 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली में अगले कुछ दिन सुबह के समय हल्का कोहरा जो है वो लोगों को परेशान कर सकता है। हवा की रफ्तार भी आपको बताते चले, इसमें ये 4 से 8 किलोमीटर के बीच रहेगी। बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन दिल्ली के तापमान पर इस होने वाली बारिश का कोई भी खास असर नहीं देखने को मिलेगा। कोहरा कम होने के चलते विमान और रेल यातायात के भी पहले के मुकाबले अब इसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल 205 में दर्ज किया गया है, और इसी श्रेणी को हवा की खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले ये 145 दर्ज किया गया था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि करीब 24 घंटे के बीच में इसमें 150 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम के मुताबिक बता दें कि हवा की गति कम होने से अगले 2-3 दिन तक यह खराब या बहुत खराब श्रेणी में भी रह सकता है। वही बताते चले कि आज का अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 8 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि हवा की रफ्तार भी आज 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको बताते चले 386 दर्ज किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तब आप जानकारियों के साथ। देखते रहिए खबर।